आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स, मैं हूं गोविंद गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पुलिस में है केमे को मिला नया मुखिया, अजीत सिंह हो गए नए डीजीपी। डीजी जेल अजीत सिंह शेखावत अब राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं। मनोज भट्ट आज रिटायर हुए तो शाम तक सरकार ने प्रदेश की पुलिस को नया मुखिया दे दिया। नए डीजीपी के लिए डीजी जेल अजीत सिंह, सुधीर प्रताप सिंह, ओपी गल्होत्रा के नाम चर्चा में थे, लेकिन अजीत का नाम दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा था। पीएचक्यू से लेकर पुलिस मुख्यालय तक नए डीजीपी के नाम को लेकर उत्सुकता थी। प्रदेश की मुख्यमंत्री के जालौर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के उपरांत नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो गया, अजीत ही डीजीपी बने। हालांकि लोग सोच रहे थे कि सरकार अगर वरिष्ठता के हिसाब से नए डीजीपी पर फैसला करती है तो डीजी होमगार्ड नवदीप सिंह को डीजीपी बनाया जा सकता है। अगर वरिष्ठता लांघकर डीजीपी बनाया तो अजीत सिंह, सुधीर प्रताप सिंह, ओपी गल्होत्रा में से फैसला होगा। जयपुर जेल विभाग के डीजी अजीत सिंह शेखावत वर्ष 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजीपी के रूप में सरकार की पहली पसंद अजीत सिंह शेखावत ही माने जा रहे थे, जिसके पीछे दो वजह थी। पहली, अनंत पाल एनकाउंटर मामले में जिस तरह से सरकार ने उन्हें आगे किया और मामला शांत कराने में शेखावत की जो भूमिका रही उससे सरकार खुश हो गई। दूसरी, शेखावत करीब 5 साल तक एसीबी में एडीजी रहे, खुले तौर पर उनके काम की तारीफ भी होती रही। 120 दिन बाद इनका रिटायरमेंट है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।